नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। किया सेल्टोस का HTX सेकंड टॉप मॉडल अभी आप ये देख रहे हैं। गाड़ी की एक शोरूम प्राइसिंग अगर आप देखेंगे ना तो 15,20,000 रुपये तक का ये वेरिएंट आपको एक शोरूम प्राइसिंग के साथ में ये पड़ता है। अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको HTX मॉडल के अंदर यहाँ पर अभी देखने के लिए मिलते हैं। की अगर आप देखेंगे ना HTX मॉडल में तो कुछ ऐसी की आपको मिलती है, किया की नई वाली की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और बटन्स अगर आप देखते हो तो लॉक ऑन लॉक के बटन से आपके पास में यहाँ पर होल्ड का बटन है जिससे गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी होल्ड का बटन है जिससे आप बूट गाड़ी का खोल सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी के लुक से जो स्टांस है ये भी काफ़ी शानदार लेवल का लगता है HTX वेरिएंट का। पिपाड़ा किया अहमदनगर में हम अभी शूट कर रहे हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, कॉल करके आप टेस्ट राइड के लिए ज़रूर आ सकते हैं। किया सेल्टोस के सारे ही वेरिएंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी लुक्स आप देखिए HTX वेरिएंट के, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और जो सामने का रोड प्रेजेंस है गाड़ी का ये भी काफ़ी सही लेवल का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे ना तो LEDs में कम्प्लीटली लाइट्स है आपके पास में, ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स है। और नीचे अगर आप आएंगे ना तो आइस क्यूब शेप में आपको लाइट्स, फॉग लाइट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जो सामने की जो ग्रिल है गाड़ी की ये आपको कम्प्लीटली यहाँ तक DLSS के मिलते हैं जो सही लगते हैं। सामने की तरफ भी आपके पास में इसमें पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर आप इसमें आएंगे तो ये कुछ गाड़ी का कम्प्लीटली साइड का प्रोफाइल है। इस वाले वेरिएंट के अंदर जो है ना आपको 17 इंचेस के ग्रे कलर में फिनिश में व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं, सही लगते हैं ये मल्टी स्पोक में व्हील्स आते हैं। जो इसका ऊपर का वेरिएंट है उसमें डायमंड कट में आपको मिलेंगे HTX प्लस में, उसका भी रिव्यू जल्द ही आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में आती है। सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। 6 एयरबैग्स आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिलती है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हील असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल, और काफ़ी एक एडवांस लेवल के फीचर आपको सेल्टोस के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो बैक से भी काफ़ी सही लगती है गाड़ी। पीछे के व्हील्स अगर आप इसमें देखेंगे ना तो पीछे आपको इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स के साथ में आती है। और इसका जो फ्यूल टैंक है आपको 50 लीटर्स का मिलता है, जिसे आप गाड़ी अगर ऑन है तो आप बाहर से भी खोल सकते हो। कम्प्लीटली क्रोम फिनिश में डोर हैंडल से ऊपर रूफ रेल्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है। ऊपर कम्प्लीटली शार्क फिन है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर सब कुछ फीचर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। और गाड़ी का जो एक तरीके से ग्राउंड क्लियरेंस है 190 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है। स्कीड प्लेट वगैरह है, पार्किंग सेंसर्स है, इसमें 4 अल्ट्रासोनिक रिवर्स जो कैमरा आपको ये यहाँ पर मिलता है। और गाड़ी का बूट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और गाड़ी का स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह जो आपको मिलती है वो अंडरनीथ में मिलती है, कम्प्लीटली कवर अप इससे किया हुआ है। और पीछे जो है ना आपके पास में कम्प्लीटली लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, पार्शियल ट्रे है ऊपर की तरफ। और स्पेस का मैनेजमेंट आप देखिए, यहाँ पर भी स्पेस आपको मिलती है नीचे की तरफ, और इस तरफ भी स्पेस वगैरह आपको मिली जाती है। सीट जो है 60-40 फंक्शंस के साथ में आती है। इसे हम अभी क्लोज करते हैं। साइड प्रोफाइल आप देखिए गाड़ी का, टेल लाइट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं, कम्प्लीटली क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में टेल लाइट्स है, कनेक्टेड टेल लाइट्स आप इसे कह सकते हैं, सही लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओवरऑल जो एक्सटीरियर का लुक है ना, जब से फेसलिफ्ट आया ना ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो कम्प्लीटली गाड़ी में पैनारोमिक सनरूफ भी आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है। गाड़ी में एक और फंक्शन आता है, जब भी आप की को पास लेके आते हो गाड़ी के मिरर अनफोल्ड हो जाते हैं, और जब भी दूर चले जाओगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली फोल्ड लेने कर देती है, तो ये फंक्शन भी गाड़ी के अंदर आपको मिल ही जाता है। आइए पीछे की सीट्स पर मैं आपको लेके चलता हूँ। पीछे अगर आप देखेंगे ना तो इंटीरियर आप देखिए, ब्लैक और बेज का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सन शेड्स भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, सन ब्लाइंड्स है, कम्प्लीटली सॉफ्ट टच फिनिश आपको यहाँ पर मिलती है। पावर विंडोज के कंट्रोल है, नीचे ग्लास विंडोज के लिए जगह है, और स्पीकर्स का सिस्टम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पीछे की सीट्स अगर आप देखते हो तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए। और सीट्स अगर आप देखेंगे ना तो 60-40 फंक्शंस के साथ में ये सीट्स आती है। 60-40 तरीके से भी आप इनको फोल्ड यहाँ पर कर सकते हो, जिससे कि स्पेस का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। और सीट जो है ना रिक्लाइनेबल है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से रिक्लाइन भी सीट्स को यहाँ पर कर सकते हो। पीछे अगर हम इसमें बैठेंगे, स्पेस गाड़ी में काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर AC के वेंट्स है, एयर प्यूरीफायर को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर ऑन ऑफ करने के सभी बटन से, और यह भी मैंने बंद कर दिया, ऐसे ऑन अगर आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसे ऑन भी कर सकते हो। तो एयर प्यूरीफायर भी HTX में मिल जाता है आपको। अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइप सी के 2 पोर्ट्स से आपके पास में यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में अवेलेबल है, ये एक अच्छी चीज़ इसके बारे में। और पॉकेट भी आपको मिल जाते हैं पीछे की इन सीट्स पर, लेदर एट अपॉल्स्टी है कम्प्लीटली प्रीमियम लेवल की। ऊपर सभी लाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल्स है, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स भी आपके पास में अवेलेबल है। सनरूफ आप देखिए, और काफ़ी सही फील आपको मिलती है। पीछे अभी मैं बैठा हूँ ना तो कम्प्लीटली रिक्लाइनेबल सीट से काफ़ी जो सपोर्ट वगैरह आपको मिलता है काफ़ी अच्छी लेवल का आपको मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीट कुछ ज़्यादा पीछे चली गई तो इस प्रकार से आप इसे
ये भी कर सकते हो। अभी ये देखिए यहाँ पर एक स्टेज ये सामने की तरफ आ चुकी है, तो पीछे जब आप बैठते हैं ना काफ़ी अच्छा फील है एक तरीके से पैनोरामिक सनरूफ की वजह से। और जो बेज इंटीरियर आपको दिया हुआ है ना, मुझे पर्सनली खास ये लगता है काफ़ी ज़्यादा बेज वाला इंटीरियर। पीछे की तरफ से फ्रंट व्यू अगर आप देखिए तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी और फीचर लोडेड ये गाड़ी जो है यहाँ पर फील होती है, HTX वेरियंट। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा सही है और यहाँ पर आपको मिलती है कीलेस एंट्री है कम्प्लीटली ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। और इंटीरियर्स अगर आप गाड़ी के देखेंगे ना तो यह कुछ कम्प्लीटली इंटीरियर का लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्लैक और बेज का डैशबोर्ड का लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल से ट्विटर्स के रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिलते हैं। मिरर को आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, अनफोल्ड कर सकते हो। वन टच अप डाउन विंडो है आपके पास में कम्प्लीटली यहाँ पर। और पीछे की जो विंडोज़ है ना ये भी आपको वन टच अप डाउन वाली यहाँ पर मिलती है। ये एक अच्छा फंक्शन गाड़ी के अंदर इस बार दिया हुआ है। सीट्स आप देखिए कम्प्लीटली बेज लेदरेट अपॉल्स्ट्री आपको दी गई है जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा। कैसे आप सीट्स की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन भी सीट्स को कर सकते हो। HTX प्लस जो वेरिएंट आता है इसके ऊपर का, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कंट्रोल्स है आपके पास में, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है, यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन जिससे जब आप क्लच दबाओगे ना ऑटोमेटिकली भी गाड़ी ऑन होती है। हेडलाइट्स की जो लेवल है ऊपर या नीचे भी आप ऐसे कर सकते हैं। अंदर इसमें बैठेंगे ना तो जो फील है ना ये काफ़ी शानदार लेवल का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टच स्क्रीन आप देखिए कितनी बड़ी सी आपको स्क्रीन यहाँ पर दी गई है। और व्यू वगैरह जो आपको मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा सही लेवल का है। कम्प्लीटली बोनेट आपको जो है ना अंदर की तरफ से विजिबल होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियों को आप इसमें से देख सकते हैं। जो क्वालिटी वगैरह आपको मिलती है ये तो मतलब सेगमेंट में सबसे टॉप नॉच लेवल की क्वालिटी आपको सेल्टा जो यहाँ पर ऑफर करती है। और स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो लेदर रैप में स्टेयरिंग व्हील है, ऊपर या नीचे भी आप इसे कर सकते हो, मतलब टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है, ऊपर या नीचे भी आप इसे कर सकते हैं। हॉर्न कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलती है। और इस तरफ क्या कंट्रोल्स है आपके पास में, यहाँ पर वॉइस कमांड के, फ़ोन उठाने के काटने के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड। इस तरफ आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल और MID के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स है। अंदर MID आप यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। RPM जो है ना कुछ इस प्रकार से आपको ये शो करता है। MID के अंदर फ्यूल कंजम्पशन के बारे में अभी आपको ये बता रहा है, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितनी किलोमीटर कार चल सकती है, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे कई सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर बताता है। ये कुछ इसका कंपस हो गया और क्या फंक्शन से, टायर प्रेशर माउंटिंग का भी सिस्टम आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरफ आपको ये फ्यूल के बारे में बताएगा, इस तरफ आपको बताएगा टेम्परेचर के बारे में। पहली जो सेल्टॉस आती थी ना उसका टच स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक था तो विजिबिलिटी के मामले में इशू रहता था, तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर दी है। दिखने में भी सही लग रहा है और विजिबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है। टच स्क्रीन अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्पीकर जो मिलते हैं, चार स्पीकर मिलते हैं और दो ट्विटर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ट्विटर्स आपको मिलते हैं और चारों ही डोर्स पर स्पीकर्स आपको मिलेंगे। तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिलती है। ब्लूटूथ वगैरह तो सपोर्ट करता ही है। इनबिल्ट मैप नेविगेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो इसको अगर हम टच करेंगे तो इनबिल्ट वाला सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। नेविगेशन भी है, फ़ोन के रिलेटेड सभी कनेक्टिविटी है आपके पास में। फ़ोन को आप यहाँ से कंट्रोल मतलब कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको AC का कंट्रोल करना है तो AC को भी आप यहाँ से कंट्रोल इसमें करवा सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है आपके पास में। और भी कई सारे फंक्शन है, मतलब काफ़ी भर के फीचर्स आते हैं। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर FM ब्लूटूथ वगैरह की सारी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। साउंड और नेचर ये कुछ अभी आपको ये यहाँ पर शो कर रहा है, ऑटोमेटिकली भी म्यूजिक ये प्ले कर देता है। वही आप सेटिंग में अगर आप आएंगे तो सेटिंग्स में व्हीकल इलेक्ट्रिक के बारे में सभी सेटिंग्स आपको मिलती है। नेविगेशन, साउंड्स के रिलेटेड सभी सेटिंग्स है। साउंड्स में अगर आप देखेंगे तो पोजीशन वगैरह आप यहाँ से कुछ है जो सेट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में डिस्प्ले के रिलेटेड सेटिंग्स है। ब्राइटनेस वगैरह आपको कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसमें करवा सकते हैं। तो ये कुछ सारे फंक्शंस आपको इस टच स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाते हैं। और AC के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। AC को आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। डुअल जोन में आती है, ड्राइवर के लिए अलग से आती है, पैसेंजर के लिए अलग से आती है। ये फंक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। अंदर अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट आपके पास में, USB का पोर्ट है और यहाँ पर Type-C का भी पोर्ट आपके पास में अवेलेबल है। मोबाइल रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस है। और यहाँ पर सेंट्रल कंसोल अगर आप देखते हो ना तो कम्प्लीटली पियानो ब्लैक वाली फिनिश आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ये इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। IMT का भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो होते हैं उससे अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस तरफ जो बटन आपको मिलता है ये रियर व्यू कैमरा का मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रियर व्यू कैमरा अभी आपको ये बता रहा है। एक तरीके से मतलब क्वालिटी वगैरह जो है ना अच्छी लेवल की आपको मिलती है।
गाइडलाइंस के साथ में आता है, जब आप स्टेयरिंग को ऐसे घुमाते हो ना तो ये गाइडलाइंस के साथ में आता है, जिससे कि आपको गाड़ी पार्क करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इसे हम अभी सीधा कर लेते हैं। ये कुछ इसका आर्मरेस्ट है जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है और अच्छा खासा डीप है ये। एक तरीके से लेदर रैप के साथ में आता है, स्टिचिंग भी इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि प्रीमियम लेवल की फिनिश आपको मिलती है। यहाँ पर भी लेदर टच आपको मिलता है, ग्लो बॉक्स है गाड़ी में जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिल जाती है। और लेकिन यहाँ पर जो है ना कूलिंग का सिस्टम आपको मिसिंग मिलेगा, ये नहीं है यहाँ पर। रियर व्यू मिरर अगर आप देखेंगे, SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऑटोडेमिंग रियर व्यू मिरर एक तरीके से, यहाँ पर आपके पास में सनग्लास होल्डर है, लाइट्स रिलेटेड सभी कंट्रोल्स है और सनरूफ आप यहाँ से खोल सकते हो। अभी मैंने ब्लाइंड खोल के रखा था। सनरूफ आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये काफ़ी मिसिंग था सेल्टॉस में, तो इसे मैंने अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर इंजन ऑप्शंस की अगर हम इसमें बात करें, आइए फ्रंट बोनेट में आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। फ्रंट बोनेट अगर हम खोलेंगे ना तो अभी तो ये पेट्रोल वेरिएंट है इसका मैनुअल में। यहाँ पर आप इंजन का लेआउट देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ऊपर कम्प्लीटली डैम्पनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 1500 cc फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है गाड़ी के अंदर, 115 PS की ये पावर बनाता है और माइलेज आपको मिलेगा 17 KMPL का इसमें मैनुअल में। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम इसमें बात करें ना, तो पेट्रोल मैनुअल मॉडल अभी आपने देखा HTX वेरिएंट, जिसकी लगभग आपको 18 लाख तक का ये ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है। अभी अगर आप टेस्ट राइड के लिए आना चाहते हैं ना तो यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं, पिपाड़ा की या अहमदनगर में आप आइए टेस्ट राइड के लिए। सारे ही वेरिएंट्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। HTX प्लस अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इसका भी रिव्यू आपको जल्दी चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। तो HTX प्लस में थोड़ी बहुत फीचर्स आपको अलग से मिलते हैं, जैसे कि अलॉय व्हील आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलॉय व्हील इसमें चेंज हो जाते हैं और भी इंटीरियर इसमें चेंज आपको मिलता है। तो इंटीरियर आप देखिए थोड़ा सा एक ब्राउन शेड आप इसे कह सकते हैं, तो ये भी एक अलग फीचर्स के साथ में आता है, तो इसे आप ज़रूर एक्सपीरियंस करने के लिए आइए। और ये जो वेरिएंट है ना, ये इसका GT लाइन वेरिएंट है, तो ये भी थोड़ा सा अलग सा वेरिएंट है। तो ये कुछ था दोस्तों HTX मॉडल के बारे में। आप ज़रूर यहाँ पर आइए पिपाड़ा की अहमदनगर में। थैंक यू।